Hello, this is Professor Matula with new lecture about the topic glycolysis. आज हम बात करेंगे सेलुलर रिस्पायरेशन रिस्पायरेशन और ब्रेकडाउन ऑफ फूड एट सेलुलर लेवल. और जो पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है ग्लाइकोलाइसिस. ग्लाइकोलाइसिस बाय द वर्ड इटसेल्फ इट मीन्स द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज. लाइसिस का लफ्ज जब भी हम जोड़ते हैं किसी वर्ड के साथ सो इट मीन्स टू ब्रेक डाउन दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल जिसकी हम बात कर रहे हैं. यहाँ पर हम बात करेंगे ग्लूकोज की जो बेसिकली सिक्स कार्बन कंपाउंड है और इसकी ब्रेक डाउन करेंगे इन द साइटोप्लाज्म फॉर अ पर्पज ऑफ जनरेटिंग एटीपीज. और एटीपीज जो है एडनोसिन ट्राइफॉस्फेट आर आल्सो एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. यानी सेल या सेलुलर लेवल पर जितने भी एक्टिविटीज़ प्रोसेसेस काम होते हैं उनके लिए जो एनर्जी दरकार होती है बॉडी के तरीके से करेंसी के तौर पर उसे हम एडनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं. चूंकि सेल में जब ग्लूकोज इंटर होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स और एंजाइम्स हम डिस्कस कर चुके हैं कि दे ऑलवेज लोअर डाउन द एक्टिवेशन एनर्जी. यानी एक रिएक्शन एक केमिकल रिएक्शन जितनी एनर्जी से वो स्टार्ट होता है उस क्वांटिटी या उस अमाउंट को लोअर करके एक रिएक्शन परफॉर्म करना यही एंजाइम्स का रोल रहता है. यहाँ पर भी हम जब डिस्कस करेंगे तो सेलुलर रिस्पायरेशन के लिए दो एरियाज विद इन द सेल काफ़ी इम्पोर्टेंट है जहाँ पर ये प्रोसेस कंप्लीट होता है. नंबर वन साइटोप्लाज्म, नंबर टू दैट इज द माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया को पावरहाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है जिसे हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि वाई इज इट कॉल्ड द पावरहाउस ऑफ द सेल. लेकिन ग्लाइकोलाइसिस जब स्टार्ट होगा तो ये इसकी कंप्लीशन बेसिकली होती है इन द साइटोप्लाज्म. और साइटोप्लाज्म में इस रिएक्शन या इस प्रोसेस का परफॉर्म होना बेसिकली दो स्टेप्स में होता है. इसको आपकी आसानी के लिए हम इसे डिवाइड करेंगे इंटू टू स्टेप्स. नंबर वन जहाँ पर हम इन्वेस्ट करेंगे प्रिपेयर करेंगे उस पर्टिकुलर कंपाउंड को टू रिलीज एटीपीज जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं. एंड सेकेंड फेज जो होगा वो प्रॉफिट या प्रिपेरेटरी जो है मतलब ऑक्सीडेटिव फेज होगा जो हमें बाद में चलकर आगे जितने भी प्रोसेसेस या स्टेप्स हम डिस्कस करेंगे वहाँ पर हमें एटीपी जनरेट करके देगा. सो ग्लाइकोलाइसिस को ईएमपी पाथवे भी कहा जाता है ड्यू टू दीज थ्री जर्मन साइंटिस्ट. इसको ग्लाइकोलाइसिस के अलावा जो दूसरा नाम दिया जाता है दैट इज ईएमपी. सेकेंड ग्लाइकोलाइसिस ग्लाइको फॉर द वर्ड ग्लूकोज सिक्स कार्बन कंपाउंड और लाइसिस मीन्स टू ब्रेक डाउन. यानी जब हम ग्लूकोज की ब्रेक डाउन करते हैं विद इन द सेल इन द साइटोप्लाज्मिक रीजन ऑफ द सेल इट इज़ एन एंजाइमेटिक रिएक्शन जहाँ पर एंजाइम्स को हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह वो ब्रेक डाउन करते हैं और टू जनरेट एटीपीस. और जो लास्ट कंपाउंड होगा ग्लाइकोलाइसिस का उसे थ्री कार्बन कंपाउंड जो दो जनरेट होंगे उसे हम पाइरूवेट कहते हैं. सो लेट्स बिगिन विद इट्स की स्टेप्स. जो पहला स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस का जिसे हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसे हम बेसिकली इन्वेस्टमेंट फेज कहते हैं. इन्वेस्टमेंट इटसेल्फ मींस जहां पर हम कुछ खर्च करके और बाद में वहां से हम मुनाफा कमाएं सो दैट इज कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट के बाद ही प्रॉफिट जो है वो मिलता है या इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द प्रिपेरेटरी फेज
यानी यहाँ पर हम उस पर्टिकुलर कंपाउंड जिसे ग्लूकोज कहते उसे हम तैयार करेंगे, उसे गुजारेंगे मुख्तलिफ एंजाइमेटिक रिएक्शन से और उसे हम लेके जाएंगे पायरुवेट तक। बट टू अंडरस्टैंड इट इन डीप, इसको हम डिवाइड करते हैं इनटू प्रिपरेटरी फेज जो पहला स्टेप है, और दूसरा स्टेप जो होगा उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फेज, या उसे हम कहते हैं प्रॉफिट फेज, जहाँ पर हमें मुनाफा इन द शेप इन द फॉर्म ऑफ एटीपीज हमें मिलेगा। लेट्स बिगेन। जैसे ही ग्लूकोज इंटर होता है इनटू द सेल, सो बेसिकली इट्स अ सिक्स कार्बन कंपाउंड। जो पहला स्टेप होगा ग्लूकोज के साथ उसे हम कहते हैं फॉस्फोराइलेशन। स्टूडेंट्स इस वर्ड के साथ काफ़ी वो इस वर्ड को जानते होंगे कि फॉस्फोराइलेशन मीन्स टू एट फॉस्फेट, यानी जहाँ पर फॉस्फेट एड किया जाता है किसी रिएक्शन में, सो उसे फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। और इफ़ द फॉस्फेट इज़ रिमूव्ड फ्रॉम एनी रिएक्शन, एनी कंपाउंड, एनी एंजाइमेटिक रिएक्शन, उसे डी फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। सो यहाँ पर जो पहला स्टेप होगा वो फॉस्फोराइलेशन है। अब हमें पता है कि ग्लूकोज इज अ सिक्स कार्बन कंपाउंड, यानी इसके जो वन एंड है एंड सिक्स एंड है, ये दोनों जो कार्बन है ये फ्री होते हैं। सो जो फॉस्फेट होगा ये कहाँ पर अटैच हो जाएगा, सिक्स कार्बन पे। सो पहला स्टेप जो है उसे हम फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। द वर्ड मीन्स के एडिशन ऑफ फॉस्फेट इनटू द ग्लूकोज, और वो फॉस्फेट हमें कहाँ से मिलेगा, बेसिकली जो एटीपी है वहाँ पर मौजूद होगी, चूंकि ये एक इन्वेस्टमेंट फेज है, तो एक फॉस्फेट हम यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे और वो एटीपी जो है वो क्या बन जाएगा, एडीपी, दैट इज एडनोसिन डाई फॉस्फेट। यानी पहले तीन फॉस्फेट थे एडनोसिन के साथ, अब एक फॉस्फेट जो है ग्लूकोज के साथ आ गया, तो बाकी जो है वो वहाँ पर दो फॉस्फेट बच जाते हैं जिसे हम एडनोसिन डाई फॉस्फेट कहते हैं। द एंजाइम दैट इज हेल्पिंग आउट इन दिस रिएक्शन दैट इज एक्सोकाइनेज एंजाइम, और आप इस सफिक्स के साथ वाकिफ है कि जहाँ पर एस का वर्ड आए दैट इज एन एंजाइम, बट इट इज नॉट ट्रू इन ऑल द केसेस। फर्स्ट कंपाउंड जो बनेगा वो होगा ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट। सिक्स मीन्स द सिक्स कार्बन, जहाँ पर क्या अटैच है, ये फॉस्फेट अटैच, और फॉस्फेट कहाँ से आए, जो एटीपी से आके यहाँ पर अटैच हुआ वो क्या बन गई, एडीपी। सेकेंड स्टेप क्या होगा, आइसोमराइजेशन, दैट इज द सेकेंड स्टेप, यानी आइसोमर का बनना। अब ग्लूकोज का जो आइसोमर है, सेकेंड चैप्टर बायो मॉलिक्यूल्स में स्टूडेंट्स आप पढ़ चुके हैं कि उसका जो आइसोमर होगा वो फ्रक्टोज होगा, और फ्रक्टोज बेसिकली इनका जो जितने भी मॉलिक्यूल्स की तादाद है वो सेम रहती है, लेकिन जो एक शेप है स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है, जिसे हम आइसोमर कहते हैं। सो सेकेंड स्टेप आइसोमराइजेशन होगा, यानी सिर्फ ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट से फॉस्फेट हुई सिक्स कार्बन पर अटैच होगा, सिर्फ इसका स्ट्रक्चर जो है या शेप जो है वो चेंज हो जाएगा इनटू इट्स आइसोमर, जिसे हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड इज फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट। और इसमें जो एंजाइम हेल्प आउट करेगा दैट इज फॉस्फो हेक्सोज आइसोमरेज, यानी ये एंजाइम जो है वो ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट को चेंज करेगा फ्रुक्टोज सिक्स फॉस्फेट में, और ये एक दोनों एक दूसरे के क्या है, आइसोमर्स है, यानी मॉलिक्यूलर जितने भी मॉलिक्यूल्स की तादाद है या फार्मूला है वो सेम रहेगा, सिर्फ जो चेंजिंग आएगी इन दोनों की स्ट्रक्चर, एक रिंग में आल्सो एक पायरिनोज है और दूसरा फ्यूरिनोज। देन आफ्टर फ्रुक्टोज सिक्स फॉस्फेट जो थर्ड स्टेप होगा, अगेन इट इज फॉस्फोराइलेशन, जिसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके कि फॉस्फोराइलेशन द वर्ड इटसेल्फ मींस के एडिशन ऑफ द फॉस्फेट। अब वही एडिशन ऑफ फॉस्फेट कहाँ से आ रहा है, अगेन वी हैव गॉट द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल जो सप्लाई करेगा फॉस्फेट को टू बी एडिड इन टू फ्रक्टोज। अब फ्रक्टोज का सिक्स एंड जो है वो कोपाइड है ऑलरेडी एक फॉस्फेट से, लेकिन चूंकि हम पहले डिस्कस कर चुके कि इसका वन एंड
और सिक्स एंड क्या है, दीज आर दी टर्मिनल एंड्स जहाँ पर ये फ्री है। अब सिक्स एंड के साथ जब फॉस्फेट अटैच हो जाएगा सो वन एंड क्या रहेगा, फ्री रहेगा। अब फ्रुक्टोज सिक्स फॉस्फेट था, चूंकि एक और फॉस्फेट आ गया तो वो कहाँ पर अटैच हो जाएगा, वो कार्बन नंबर वन पर अटैच होगा और ये क्या बन जाएगा, फ्रुक्टोज वन सिक्स बाई फॉस्फेट बाई फॉर द वर्ड टू, यानी यहाँ पर फॉस्फेट की तादाद कितनी हो जाएगी, दो हो जाएगी। अब ये जो फ्रुक्टोज वन सिक्स बाई फॉस्फेट है, जो इंजाइम हेल्प आउट करेगा वो होगा बेसिकली फॉस्फो फ्रक्टो काइनेज, यानी ये जो इंजाइम है वो चेंज करेगा फ्रुक्टोज सिक्स फॉस्फेट को फ्रुक्टोज वन सिक्स बाई फॉस्फेट में, और ये थर्ड स्टेप होगा जिसे हम फॉस्फोराइलेशन कहते। फोर्थ स्टेप में क्या होगा कि इसी फ्रुक्टोज वन सिक्स बाई फॉस्फेट की स्प्लिटिंग हो जाएगी, यानी ये अलग हो जाएंगे तीन तीन कार्बन के कंपाउंड में, जिसे एक को DHAP डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और दूसरा जो है PGAL दैट इज फॉस्फो ग्लिसरल एल्डिहाइड, और ये दोनों जो कंपाउंड से दीज आर इंटर कन्वर्टेबल इंटू ईच अदर। सो फोर्थ स्टेप जो होगा हमारे पास वो स्प्लिटिंग का होगा। स्प्लिटिंग किसकी होगी, वो फ्रुक्टोज वन सिक्स बाय फॉस्फेट की होगी। सो ये चार स्टेप्स पर मुश्तमिल जो पहला रिएक्शन है या पहला स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस का, दैट इज द इन्वेस्टमेंट फेज, और इन्वेस्टमेंट फेज में हम खर्च कर रहे, क्या खर्च कर रहे, फॉस्फेट को इन्वेस्ट कर रहे इनटू ग्लूकोज फ्रक्टोज स्टेप वन में, और स्टेप थ्री में हम यहाँ पर दो ATPs जो है वो उसको दो फॉस्फेट्स को ऐड कर रहे, और आगे चलकर यही जो इन्वेस्टमेंट फेज है इससे हमें प्रॉफिट मिलेगा। चूंकि ये 10th स्टेप का रिएक्शन है तो स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग को आसान बनाने के लिए इसको हमने दो स्टेप्स में पार्ट वन और पार्ट टू में डिवाइड किया है। सो दिस इज ग्लाइकोलाइसिस पार्ट वन, दैट इज प्रिपेरेटरी फेज। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द ग्लाइकोलाइसिस पार्ट टू, दैट इज ऑक्सीडेटिव फेज, जहां पर हम डिस्कस करेंगे फोर्थ स्टेप के ऑनवर्ड्स जितने भी 10th स्टेप तक रिएक्शंस है जो ऑक्सीडेटिव फेज या प्रॉफिट फेज का हिस्सा है, उनको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। सो दिस इज जस्ट द पार्ट वन ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस, द इन्वेस्टमेंट फेज दैट इज कॉल्ड एज द प्रिपेरेटरी फेज। सो कीप वॉचिंग बायोलॉजी बाय प्रोफेसर मथियुला। Hi, this is Professor Mathiula, back with a video lecture, Glycolysis Part 2. Part 1 में हम बात कर चुके हैं about the investment phase, जहाँ पर glycolysis को हमने तफसील से discuss किया, जिसमें हमने breakdown in the first phase, जिसमें investment phase or it is also called as the oxidative phase. चार steps पर मुश्तमिल पहला स्टेप था। अब सेकंड स्टेप की हम बात करेंगे जो बेसिकली सिक्स स्टेप्स पर मुश्तमिल है, और इसे हम ऑक्सीडेटिव फेज या प्रॉफिट फेज भी कहते हैं, यानी इसमें हमें जो इन्वेस्टमेंट हमने पहले फेज में की थी पहले स्टेप में दैट वाज द इन्वेस्टमेंट फेज, अब यहाँ पर हमें प्रॉफिट मिलेगा। उस स्टेप में हमने फोर्थ स्टेप अगर आपको याद हो जहाँ पर हमने स्प्लिटिंग की बात की थी, जिसमें फ्रुक्टोज 1,6 बाय फॉस्फेट स्प्लिट कर रहा था, अलग हो रहा था तीन कार्बन के दो कंपाउंड्स में, एक को DHAP दैट इज डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, इट्स अ थ्री कार्बन कंपाउंड, और इसी के साथ ये चेंज हो रहा था फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड, या इसको G3P भी कहा जाता है, दैट इज ग्लिसरल एल्डिहाइड थ्री फॉस्फेट, यानी थर्ड कार्बन पर, चूंकि तीन कार्बन का है तो थर्ड कार्बन पर क्या अटैच है, फॉस्फेट अटैच है। स्प्लिटिंग के बाद जो पांचवा स्टेप होगा, चूंकि ये दोनों आपस में स्प्लिट हो चुके हैं तीन तीन कार्बन के कंपाउंड में, तो पांचवा जो स्टेप होगा वो आइसोमराइजेशन का होगा, यानी DHAP जो डाईहाइड्रो ऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट है,
ये आइसोमर है किसका, PGAL दैट इज फॉस्फोग्लिसरलडिहाइड या ग्लिसरलडिहाइड 3-फॉस्फेट का आइसोमर है। तो यहाँ पर ये दोनों जो है फिफ्थ स्टेप में आइसोमर भी बन सकते हैं और ये इंटर कन्वर्टेबल है। यहाँ पर एक बात जेनशीन कर ले कि हम आगे जो बात करेंगे वो इस एक PGAL की करेंगे, लेकिन बेक्स जो इसी के साथ पैरेलल रन करेगा वो DHAP का चेंज होना है PGAL में, यानी यहाँ पर जो हम बात करेंगे वो 1 PGAL का होगा। उसी के साथ हम लास्ट में जब ATPs कैलकुलेट करेंगे तो उसको मल्टीप्लाई 2 करेंगे। उसकी वजह ये है कि एक PGAL का पूरा प्रोसेस तो हम लिख चुके हैं, लेकिन दूसरा PGAL जो इसी के साथ पैरेलल रन करेगा उसी को हम यहाँ पर मेंशन नहीं कर सकते क्योंकि सेम प्रोसेस है। लेकिन जो कुछ यहाँ पर हमारे पास मिलेगा हमें प्रॉफिट की शक्ल में, या जो यहाँ पर जो भी प्रोसेसेस होंगे तो वो दो होंगे। दो से मुराद कि एक PGAL तो ये कंटिन्यूसली रन जो है वो करेगा, और इसी के साथ जो दूसरा PGAL बनेगा वो DHAP से बनेगा, यानी डाईहाइड्रो ऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट से बनेगा। तो एक PGAL का हम मेंशन कर चुके हैं, आपके सामने है। दूसरा जो PGAL है वो इसी तरह के स्टेप्स होंगे, सेम प्रोसेस होगा, लेकिन उसको हम मेंशन नहीं कर रहे क्योंकि सारे जो सीरीज ऑफ रिएक्शन है एंजाइमेटिक रिएक्शन वो सेम है। तो यहाँ पर जो कुछ भी प्रोसेस होगा वो मल्टीप्लाई 2 होगा। तो इसको आप कंफ्यूज ना करें कि एक प्रोसेस तो मेंशन है, यहाँ पर 1 ATP हमें नज़र आ रही है, लेकिन एंड ऑफ द प्रोसेस हमें 4 ATPs या जितने भी ATPs हम कैलकुलेट करके डिस्कस करेंगे वो हमें किस तरह मिल जो है हम इसको अटेन करते हैं इन सारे ATPs को। सो दिस इज ऑल द प्रोसेस अबाउट 1 PGAL, लेकिन इसी के पैरेलल साथ साथ रन करेगा दूसरा PGAL दैट इज फॉस्फोग्लिसरलडिहाइड या ग्लिसरलडिहाइड 3-फॉस्फेट, यानी थर्ड कार्बन पर फॉस्फेट अटैच है। सो फिफ्थ स्टेप के बाद जब ये कन्वर्टेबल है, सिक्स स्टेप क्या होगा, डीहाइड्रोजनेशन एंड फॉस्फोराइलेशन। डी का वर्ड जब भी आएगा इट मीन्स रिमूवल, एंड हाइड्रोजनेशन मीन्स द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पर जो हाइड्रोजन किस से रिमूव होगा, PGAL से रिमूव होगा। तो ये G3P या ग्लिसरलडिहाइड 3-फॉस्फेट से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1,3-बाई-फॉस्फोग्लिसरेट। अब जो हाइड्रोजन रिमूव होगा उसको जो हाइड्रोजन है उसको एक्सेप्ट कौन करेगा, हाइड्रोजन एक्सेप्टर दैट इज NAD, और वो क्या बन जाएगा NADH बाय एक्सेप्टिंग द हाइड्रोजन। सेकेंड, इसी के साथ जो दूसरा स्टेप है वो अगेन फॉस्फोराइलेशन का है। फॉस्फोराइलेशन मीन्स एडिशन ऑफ फॉस्फेट, जो हम पिछले इन्वेस्टमेंट फेज में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी किसी रिएक्शन में फॉस्फेट एड होगा इट विल बी फॉस्फोराइलेशन, और जब रिमूव होगा सो इट विल बी कॉल्ड एज डीफॉस्फोराइलेशन। इसी तरह हाइड्रोजन एड होगा हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन रिमूव होगा डीहाइड्रोजनेशन। वाटर एड होगा, वाटर का मॉलिक्यूल एड होगा उस रिएक्शन में जाएगा हाइड्रेशन, और वाटर का मॉलिक्यूल उस रिएक्शन से रिमूव होगा सो इट वुड बी कॉल्ड एज डीहाइड्रेशन। सो यहां पर दो स्टेप्स हो रहे हैं, नंबर 1 डीहाइड्रोजनेशन, नंबर 2 फॉस्फोराइलेशन। किसके साथ, इसी G3P या PGAL के साथ, दोनों का जो है वो सेम है। पहला स्टेप क्या होगा, हाइड्रोजन रिमूव होगा उसको कौन एक्सेप्ट करेगा NADH, और दूसरा जो है इसमें क्या ऐड हो जाएगा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। I स्टैंड्स फॉर द इनऑर्गेनिक एंड P फॉर द फॉस्फेट। सो ये एक एंजाइम की मौजूदगी में जिसे G3P ग्लिसरलडिहाइड 3-फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेस कहेंगे, यानी ये क्या रिमूव करेगा, हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। तो सिक्स स्टेप में हमें जो कंपाउंड मिलेगा वो क्या होगा, 1,3-बाई-फॉस्फोग्लिसरेट। चूंकि हम बात कर चुके हैं कि PGAL भी 3 कार्बन का है और DHAP भी 3 कार्बन का, इसीलिए दोनों आइसोमर है। जब 3 कार्बन का है सो ऑलरेडी ग्लिसरलडिहाइड 3-फॉस्फेट में थर्ड कार्बन पर क्या अटैच है, फॉस्फेट अटैच। इसका वन एंड जो 1 कार्बन है टर्मिनल कार्बन वो फ्री है। सो अब यहाँ पर जब फॉस्फोराइलेशन हो जाती है फॉस्फेट आ जाता है, तो ये कहाँ पर ऐड होगा, ये कार्बन नंबर
वन परेड होगा तो ये क्या बन जाएगा, 1,3-bisphosphoglycerate, यानी ग्लिसरलडिहाइड से क्या बन जाएगा, फॉस्फोग्लिसरेट बन जाएगा। कंटिन्यूएशन ऑफ दिस सिक्स स्टेप, 1,3-bisphosphoglycerate ये कन्वर्ट हो जाएगा 3-phosphoglycerate में, यानी इसके वन कार्बन से क्या रिमूव हो जाएगा, फॉस्फेट रिमूव हो जाएगा। जब फॉस्फेट रिमूव होगा तो फॉस्फेट को एक्सेप्ट कौन करेगा, एडीपी, और ये किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, एटीपी में। यानी यहाँ पर जो पहला स्टेप है दैट इज़ द सेवन्थ स्टेप, उसमें हमें प्रॉफिट मिलेगा जो इन्वेस्टमेंट हमने की थी, किसके फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। सो दिस स्टेप वुड बी कॉल्ड एज एटीपी फॉर्मेशन एंड इट इज इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम दैट इज कॉल्ड एज फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। ये एंजाइम रिमूव करेगा वन जो कार्बन है उससे फॉस्फेट को, और इसी फॉस्फेट को एक्सेप्ट किया जाएगा बाय द एडनोसिन डाइफॉस्फेट, और वो चेंज हो जाएगा इनटू एडनोसिन ट्राइफॉस्फेट, दैट इज एटीपी, एंड दिस द फर्स्ट स्टेप ऑफ एटीपी फॉर्मेशन। अब चूंकि एक पीजीएल हम डिस्कस कर रहे तो यहाँ पर एक एटीपी हमें मिला, लेकिन चूंकि हम बात कर चुके कि डीएचए भी कन्वर्टेबल है इनटू पीजीएल, तो हमारे पास यहाँ पर एक एटीपी की बजाय दो एटीपीज बनेंगे। कंटिन्यूइंग दिस लेक्चर, 3-phosphoglycerate जो है वो चेंज हो जाएगा इनटू 2-phosphoglycerate, नेम आर सेम, ओनली द पोजिशन ऑफ कार्बन इज डिफरेंट। सिर्फ क्या चेंज आ रहा है, जो कार्बन की पोजीशन है जिसके साथ फॉस्फेट अटैच है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। फॉस्फोग्लिसरेट नेम्स यानी जो कंपाउंड है वो सेम है, लेकिन सिर्फ क्या चेंज है, स्ट्रक्चर चेंज आ रहा है। मॉलिक्यूलर सेम है लेकिन स्ट्रक्चरली ये क्या हो रहा है, चेंज आ रहा है। यहाँ पर 3 कार्बन है और यहाँ पर कौन सा कार्बन है, 2 कार्बन। इसके लिए हम एक कंसेप्ट सीख चुके हैं दैट इज आइसोमर्स, या इस स्टेप को हम आइसोमराइजेशन कहेंगे, यानी 3-phosphoglycerate का आइसोमर क्या होगा, 2-phosphoglycerate। मॉलिक्यूल्स की तादाद सेम है लेकिन जो सिर्फ चेंजिंग आ रही है, जो सिर्फ चेंज आ रहा है वो 3 कार्बन की बजाय चेंज आ रहा है 2 कार्बन पे, यानी पहले फॉस्फेट 3 कार्बन पर था, फॉस्फेट कहाँ पर आ जाएगा, 2 कार्बन पर, सो इट विल बी 2-phosphoglycerate। और इसमें जो इंजाइम हेल्प आउट करेगा डेट इज फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज, यानी ये इंजाइम जो है वो कन्वर्ट करेगा 3-phosphoglycerate को इंटू 2-phosphoglycerate इन द स्टेप इज कॉल्ड एज आइसोमराइजेशन। 9th स्टेप में क्या होगा, डिहाइड्रेशन। हम पहले बात कर चुके हैं कि जब वाटर का मॉलिक्यूल ऐड होगा, हाइड्रेशन अगर रिमूव होगा, डिहाइड्रेशन, फॉस्फेट ऐड होगा, फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फेट रिमूव होगा, डीफॉस्फोराइलेशन, इसी तरह जो है वो हाइड्रोजन ऐड होगा, सो दैट इज हाइड्रोजनेशन, और हाइड्रोजन रिमूव होगा, डिहाइड्रोजनेशन। सो यहाँ पर कौन सा स्टेप है, डिहाइड्रेशन, यानी क्या रिमूव हो रहा है, वाटर, लेकिन चूंकि हम एक पीजीएल को डिस्कस करें तो एक वाटर का मॉलिक्यूल नहीं बल्कि 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स रिमूव होंगे, वो डीएचएपी जब कन्वर्ट होगा पीजीएल में, सो दोनों साइमल्टेनियसली एक साथ पैरेलल चल रहे हैं। एंजाइम क्या होगा, एनोलेज एंजाइम। देन लास्ट स्टेप फॉस्फो इनोल पायरुवेट में, 2-phosphoglycerate है वो चेंज हो जाएगा फॉस्फो इनोल पायरुवेट में, और 10th स्टेप में क्या होगा, अगेन एटीपी फॉर्मेशन, फॉस्फो इनोल पायरुवेट से क्या बन जाएगा, पायरुवेट, और इस स्टेप को हम क्या कहेंगे, एटीपी फॉर्मेशन, और जो इंजाइम होगा वो क्या होगा, पायरुवेट काइनेज। यानी 7th स्टेप और 10th स्टेप में हमें क्या मिलेगी, एटीपी मिलेगी, जिसको हम प्रॉफिट कहते हैं, या इन अदर वर्ड्स इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीडेटिव फेज। जो 7th स्टेप होगा या 10th स्टेप, इसमें हमें चूंकि विद इन दिस लेक्चर हमें 2 ATPs मिल रहे, लेकिन जैसे हम पहले बात कर चुके हैं कि DHAPs also convertible is both are isomers, दोनों isomers है, so DHAP convert होगा PGL में, सेम यही प्रोसेस दोबारा रिपीट होगा, और इसी तरह एक के बजाय उसी स्टेप में हमें कितने 2 ATPs मिलेंगे, और यहाँ पर भी 2 ATPs मिलेंगे, सो डेट वुड बी आवर प्रॉफिट, आर इट इज कॉल्ड एज दी ऑक्सीडेटिव फेज। पार्ट 1 ग्लाइकोलाइसिस, अगर आप जब उसको समझेंगे तो वहाँ पर हमने ग्लाइकोलाइसिस को 2 हिस्सों में तकसीम किया था, फर्स्ट पार्ट वहाँ पर डिस्कस है, फर्स्ट स्टेप जिसे हम प्रॉफिट या इन्वेस्टमेंट फेज कहते हैं, एंड दिस इज पार्ट 2 ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस विच टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म, और इसको हम क्या कहते हैं, द ऑक्सीडेटिव फेज या प्रॉफिट फेज। और एक बात ध्यान में रखिए कि जो ग्लाइकोलाइसिस है ये चाहे एरोबिक रिस्पायरेशन हो या एनएरोबिक रिस्पायरेशन, ये दोनों का कॉमन स्टेप रहेगा इनटू
इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन साइटोप्लाज्म। सो यहाँ पर ये सिक्स स्टेप्स पर मुश्तमिल है। नंबर फाइव स्टेप वॉज आइसोमराइजेशन, देन हाइड्रोजनेशन एंड फॉस्फोराइलेशन, देन सेवन स्टेप एटीपी फॉर्मेशन, एट स्टेप वॉज आइसोमराइजेशन, नाइन्थ स्टेप इज द डीहाइड्रेशन रिमूवल ऑफ वाटर, एंड टेंथ स्टेप इज द एटीपी फॉर्मेशन वेयर एटीपी इज फॉर्म। सो ग्लाइकोलाइसिस सिक्स कार्बन का कंपाउंड था जो चेंज हुआ थ्री कार्बन कंपाउंड में, जिसे हम पाइरुवेट कहते हैं, और इस पूरे जर्नी को ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है। पाइरुवेट का एक मॉलिक्यूल नहीं बल्कि दो मॉलिक्यूल बनेंगे, उसकी वजह हम डिस्कस कर चुके कि एक पीजीएल रन करेगा, दूसरा जब डीएचपी कन्वर्ट होगा पीजीएल में ये दोबारा रन करेगा, पैरेलल रन करते हैं। सो इसीलिए हमें दो पाइरुवेट के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं थ्री कार्बन कंपाउंड के, एंड दिस इज पार्ट ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस। सो कीप वॉचिंग बायोलॉजी बाय प्रोफेसर मथ्यूला।